आप कुछ चीजें जो मैं बताता हूं आप उसको बिलीव करने से पहले उसको विश्वास करने से पहले उसको मानने से पहले आप एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सक्सेस हुए हैं और जो सक्सेस नहीं हुए हैं आप चाहो उनसे बात कर सकते हो मैं बहुत सारे कैंडिडेट का आपको मार्क्स दिखाता हूं बहुत सारे कैंडिडेट्स आज के डेट में लंबे समय से मैं इस जर्नी में हूं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैं मार्क्स देखता हूं एंड मैं अपने भी मार्क्स देखता हूं एन नंबर ऑफ ऐसा नहीं सिर्फ इस एग्जाम में नहीं मैं बीच बीच में एग्जाम में जहां मौका मिलता है मैं कभी कभी एपियर होता हूँ इस वजह से नहीं कि मेरा उससे कोई इंपॉर्टेंस है जस्ट मैं कुछ चीजें एक तो मैं ऐड करता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल नेट सब्जेक्ट है नेट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है तो आज की डेट में मैं थ्री डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नेट क्वालिफाई हूँ मैं बीच बीच में मास्टर्स का एग्जाम देता रहता हूँ आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए मास्टर्स होना होता है या आप अपियरिंग में हो तो विद इन टू ईयर्स आपको मास्टर्स कंप्लीट करना होता है तो मैं डिफरेंट टाइम एग्जाम देते रहता हूँ या फिर मैंने अब तक जो लाइफ में एक तरह से देखा जाए स्टेट पी और सिविल सर्विसेज सेंट्रल सिविल सर्विसेज में ट्वेल्व मेन्स टाइप एग्जाम मेन्स कन्वेंशनल एग्जाम दे चुका हूँ करीब ठीक है तो मैं देखता हूं कि जब मैं आप लोग को गाइड करता हूं तो मैं खुद के लिए राइटिंग नहीं करता हूं प्रैक्टिस नहीं करता हूं कुछ चीजें लिखता हूं तो आप लोग के लिए कुछ कॉपी चेक करता हूं आप लोग के लिए मैं उस ड्यूरेशन में देखता हूं कि माय ऑन एक्सपीरियंस की आई एम नॉट राइटिंग देन प्रॉब्लम अराइजेज प्रॉब्लम ये नहीं होता क्यों प्रॉब्लम होता है कि मुझे खुद प्रॉब्लम होता है इस वजह से कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता हूं और आप कोई भी कंटेंट दो कुछ भी दो आप टाइम दोगे मैं कुछ भी लिख दूंगा लेकिन विद इन टाइम में आपको प्रॉपर कंटेंट लिखना होता है ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि अ ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जानते हुए भी अच्छा चीजों को करते हुए भी उनका प्रॉब्लम होता है अब ये जैसे देखो ये एक ये सैंपल एक पैराग्राफ जस्ट हमने लिया है ये उस कैंडिडेट का जो अ सीएसई का इंटरव्यू इस बार देने वाले हैं ठीक है 2023 का इंटरव्यू दे रहे हैं और ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट में इनको सीआईएसएफ मिला हुआ है ठीक है तो इनको असिस्टेंट कमांडेंट में सीआईएसएफ अंडर 50 रैंक है अच्छा रैंक है ठीक है तो ये कर सकते हैं टॉप थर्टी में से ये इनका रैंक है और प्लस ये सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो चलो सिलेक्शन होना इसमें ना होना वो दूसरी चीज है लेकिन एटलीस्ट ये सिलेक्टेड है ठीक है ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर है आपके असिस्टेंट कमांडेंट में जो आप चाहते हो तो वो उस लेवल का रैंक इनका आया हुआ है ठीक है तो कहीं भी आप देखो किसी भी कैंडिडेट का देखो दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं एक तो सपोज है कि कोई टेस्ट जनरली बहुत कम कैंडिडेट मीन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट एक्चुअल में नहीं लीते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन होता है क्यों क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छा होता है मेयर सिलेक्शन ये ऐसा नहीं है कि आप राइटिंग नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं हुआ सिलेक्शन तब भी होता है लेकिन वो वेरी फ्यू कैंडिडेट्स होते हैं लिमिटेड कैंडिडेट्स प्रॉब्लम तब होता है जब आपका जो कंपटीशन है इंटेंस कंपटीशन है आप ऑल इंडिया लेवल पे फाइट कर रहे हो सीट्स कितने होते हैं कभी आपके सपोज करो 171 सीट्स है और इस 171 में शायद ओनली वन कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाई फाइनल में ट्वेंटी वन वाले बैच में आप देखो सिमरन सिर्फ अकेले थी उनका सिलेक्शन हुआ ट्वेंटी टू में देखो और कई हैं अब 171 आ रहा है टू हंड्रेड थर्टी थ्री आपका ट्वेंटी टू वाले में था 359 जो है वो आपके ट्वेंटी थ्री वाले में है ठीक है तो कभी आपका जिस सोचो वन सेवेंटी वन टू थर्टी थ्री और थ्री फिफ्टी नाइन और लास्ट टेन इयर्स में हाईएस्ट आपका वैकेंसी 466 समझ सकते हो ऑल इंडिया लेवल में इतना कम सीट्स है तो वहां आपका जो टेस्ट होता है राइटिंग प्रैक्टिस पेपर टू के लिए उपयोगी है लेकिन टेस्ट सोल्व करना पेपर वन के लिए भी जरूरी है हाँ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पेपर वन में आज के डेट में वन सेवेंटी ले आते हैं

ऑब्वियसली uh, आप जब असिस्टेंट कमांडेंट या सेंट्रल सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है तो वो तो आप कहीं से भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्टेट पीसीएस होता है तो आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो जिस पे हर चीज पे आप कमांड नहीं रख सकते हो तो चूंकि मैं यूपी और बिहार के बारे में इस वजह से कि मैंने दोनों का मेंस दिया हुआ है बिहार में मल्टीपल टाइम इंटरव्यू वगैरह में भी एपेयर हो चुका हूं तो मैं इन चीजों को जानता हूँ जितने भी सेलेक्ट कैंडिडेट होते हैं आप देखना सब जिन आप कुछ को जदि जानते हो राइटिंग प्रैक्टिस सबसे जरूरी है अब जस्ट इमेजिन करो कि आपके राइटिंग्स ऐसे होते हैं कि टाइम बहुत कम मिलता है अब मान के चलो कि आप असिस्टेंट कमांडेंट पे फोर ए से आपको लिखना है टू आर्गुमेंट्स लिखना है टू रिपोर्ट्स लिखना है वन वन आरसी लिखना है one solve करना है प्रेसी सॉल्व करना प्लस ग्रामर मान के चलो ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हो सपोज सिविल सर्विसेज में या फिर जीएस uh, का दे रहे हो तो जीएस में ट्वेंटी क्वेश्चन आपको लिखना है थ्री आवर्स में और थ्री आवर्स में आप गार्बेज नहीं लिख सकते हो अभी मैं स्टेट पीसीएस का एग्जाम देख रहा था तो इसमें से कभी ये ये कभी 20 लिखने होते हैं तो ये इतने आसान नहीं होते हैं इसी वजह से आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है पेपर में भी आप चीजों को जानते हो लेकिन ऑप्शंस कभी कभी इतने ब्यूटीफुल तरीके से सोल्व किया हुआ सेट किया हुआ रहता तो सोल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है द मोर यू राइट टेस्ट बेटर इट विल बी कंफर्टेबल आपको टेस्ट से आपके दो फायदे हैं एक फायदा यह है कि आपको न्यू क्वेश्चंस 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 जो questions आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो न्यू आपको मिलते हैं। दोनों में पेपर वन हो या पेपर टू हो तो न्यू क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपने थ्योरी में कुछ चीजों को पढ़ा है तो वो शायद आपने उस एंगल से नहीं देखा जिस एंगल से क्वेश्चन बनाया गया तो एक तो आपको न्यू क्वेश्चन मिलते हैं दूसरा ऑप्शन को किस ढंग से एलिमिनेट करना है या किस ढंग से सेलेक्ट करना है सिलेक्शन और एलिमिनेशन ये का टेक्निक मिलता है तीसरा आपका प्रैक्टिस होता है चौथा आपको इंप्रूव करने में यह हेल्प मिलता है

टेन परसेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं तो टेन परसेंट में आपका ट्वेल्व 12 12 तो 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 क्वेश्चन हम इन क्वेश्चन को ना करें तो और बाकी जो बचते हैं अब उसमें से देखो हमेशा अभी जो स्टैंडर्ड आ रहा है तो थर्टी परसेंट के करीब करीब क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी इजी नेचर के होते हैं अब इसी में किसी को फोर्टी परसेंट इजी लग रहा है तो उनके लिए थोड़ा बेटर होता है किसी को 50 लग रहा है तो उनके लिए सिलेक्शन कोई माइंड नहीं रखता फिर जो जो एक तरह से जो 30, आ, ये है उसमें कौन कितना कर पाया देखो यदि तब तो आपके लिए ज्यादा ही नहीं है उसके बाद जो बचा हुआ है डिपेंडिंग ऑन थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट या ट्वेंटी पर और रैंक डिपेंड करता है और जो डिफिकल्ट है बहुत डिफिकल्ट है उनको ज्यादा आपके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है ऑन एन एवरेज जो टेन परसेंट क्वेश्चन सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं टाइम अभी आपके पास है आपका एग्जाम जो है फोर्थ ऑफ अगस्त को है तो आप जनवरी को भूल जाओ ठीक है तो आपके पास फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तो आपके पास सिक्स में जो हम टेस्ट अभी आ, कल से हमारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसमें थर्टीन पेपर वन के और थर्टीन पेपर टू के हैं ठीक है थर्टीन टेस्ट पेपर वन के थर्टीन टेस्ट पेपर टू के तो आप प्रैक्टिस करो और मैं ये नहीं कहूँ करूं कहूंगा कि आप हमारा ही टेस्ट लिखो जहां से भी आपको मौका मिलता है हमेशा ध्यान रखो कि कितना भी आप कर लो आपको एवरी टेस्ट जो भी होता है किसी जगह भी अच्छा अब ये का मतलब नहीं है कि आप जस्ट किसी ने रैंडम टेस्ट दे दिया लेकिन जिसने भी बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर टेस्ट बनाया है तो उसमें आपको न्यू क्वेश्चल्स मिलते हैं आपको ऑप्शंस की ब्यूटी मिलती है आपको सिलेक्शन एलिमिनेशन पता चलता है प्रैक्टिस आपका फिर इंप्रूवमेंट का मौका मिलता है पेपर 2 में भी सेम सिचुएशंस पेपर 2 में ऑप्शंस का आपका ये चॉइस नहीं है उस ढंग का Uh, वहां है आपको प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस थ्री आर्स है बहुत सारे कैंडिडेट इनफैक्ट माई इज से कि मैं खुद उस समय जब मैं एग्जाम uh, लिखा पास हुआ जब मैं क्वालिफाई हुआ तो मुझे खुद ही आइडिया नहीं था इनफैक्ट कुछ भी आइडिया भी नहीं था ना मैंने कहीं किसी से असिस्टेंस लिया तो ऐसा नहीं है शायद बहुत अच्छे रैंक आ सकते थे टॉप टेन में आ सकते थे ट्वेंटी में आ सकते थे लेकिन नहीं आया बट एट सिलेक्शन हुआ आपको मिल जाता है, आपका है, लेकिन आप उन चीजों को समझ नहीं पाते हो उन चीजों को कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है देखो जिन कैंडिडेट्स में सीरियसनेस नहीं है कि ठीक है सिलेक्शन हुआ ना हुआ बस मैं घर वालों के लिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो उनको टेस्ट लिखने की जरूरत है नहीं कि आपका कोई मतलब ही नहीं है सिलेक्शन हो ना हो कोई मतलब नहीं लेकिन जो कैंडिडेट हमेशा ध्यान रखो स्टैंडर्ड जो होता है जितने एग्जाम देते हैं उसमें ट्वेंटी परसेंट लोग सीरियस होते हैं बाकी मैं एट्टी परसेंट को सीरियस नहीं मानता हूं हमेशा किसी एग्जाम में सपोज असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में ऑन एन एवरेज किसी ईयर एक्स्ट्रा किसी ईयर थ्री लाख के आसपास कैंडिडेट आपके अप्लाई करते हैं लेकिन एग्जाम कितने दे रहे हैं वन लाख वन वन लाख जो भी दे रहे हैं ठीक है तो करीब तो करीब तो अब सोचो टू हंड्रेड सीट्स है थोड़ी देर के लिए मानो तो सीरियस कैंडिडेट में भी जस्ट वन परसेंट का फाइनल होगा हाँ अब देखो सीरियस कैंडिडेट में अब रिजल्ट कितना रिटेन का आया सपोज पंद्रह 15%, परसेंट ये फिफ्टीन हंड्रेड या मान के चलो टू थाउजेंड तो जब टू थाउजेंड आया तो सीरियस में भी जस्ट टेन परसेंट कैंडिडेट होंगे जिनका रिटेन में रिजल्ट आएगा तो आप इस कंपटीशन को समझो यदि आप सीरियस हो तो रेगुलर टेस्ट लिखो जहां भी आपको मौका मिलता है देखो कहीं भी जो आपका टेस्ट कॉपी चेक करता है जो आपके लिए क्वेश्चन बनाता है तो उसको कॉस्ट लगता है टाइम के संबंध में और यदि स्टाफ रखे हुए हैं उसके संबंध में तो कॉस्ट लगता है कुछ है जैसे आपके फैमिली मेंबर हैं आपके सीनियर हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपको फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं हैं तो दैट वो कहते ना कि जंप ऑन द अपॉर्चुनिटी यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो तो वहां आप हो यदि नहीं तो जहां आपको पेड में मिलता है अब कुछ कैंडिडेट को है कि सर वहां सस्ता मिल रहा है आपको जहां लगता है कि यस क्वालिटी हमारा ठीक है अब जस्ट इमेजिन करो कि सेम क्वालिटी का कोई टेस्ट सौ रुपया में आपको दे रहा है टेन टेस्ट तो आप लीव हो और यदि लग रहा कोई दस रुपये आप उनसे लो कोई फ्री में टेस्ट दे सकता है आप उनसे लो लेकिन प्रैक्टिस करो क्योंकि तो रिजल्ट आपका होना होता है जब कट थ्रोट कंपटीशन होता है वहां एक एक दो दो चार चार नंबर बहुत मायने रखता है ठीक है तो रेगुलर रूप से टेस्ट लिखो जितने भी कैंडिडेट्स को आप देखोगे सक्सेस हुए हैं एवरेज कैंडिडेट खास करके टेस्ट में उनका बहुत ये उनका सिलेक्शन में बहुत योगदान रहता है ठीक है कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है टेस्ट यदि आपको लिखना है या असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन से जो भी क्वेश्चंस डाउट्स होते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर एट फाइव टू सेवन वन फोर सिक्स फोर नाइन एट पे मैसेज कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर सेवन फोर जीरो फोर नाइन जीरो नाइन सिक्स सिक्स नाइन पे ओके थैंक यू